ने कहा कि योगी और मोदी को हम वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने उस समय कहा कि ये डूबती हुई नाव है और जो डूबती नाव पे बैठेगा वो मर जाएगा, कौन जाएगा। ये देश विरोधी है और ये देश के लिए जितने उन्होंने वादा किया सब झूठ वादा किया था, ये झूठे लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठा है तो मोदी और योगी है। इतने बड़े बड़े वादे करने वाले ओम प्रकाश राजभर बंद कमरे में जाकर के दिल्ली में उन्होंने अपने बेटे के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जनता और समाज को यह नहीं बताया कि हम किस मुद्दे पे किए। आपकी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहाँ चली गई, जातिवार जनगणना चला कहाँ चला गया, आपकी महंगाई वाला मुद्दा कहाँ चला गया। आप 69,000 शिक्षक भर्ती पे रोना रोते थे, आप एसटी आरक्षण राजभर समाज को दिलाने की बात करते थे, आप महंगाई पे बात करते थे, आप शिक्षा एक नीति लागू करवाना चाहते थे, ये पूर्वांचल राज को अलग करने की बात करते थे, राजभर समाज के बेटे को डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की बात करते थे। कहां गया वो मुद्दा, वो मुद्दे कहां चले गए, वो बंद कमरे में अपने बेटे को सांसद और अपने मंत्रालय के चक्कर में उन्होंने पूरे समाज को गर्त में डाल दिया। उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, यहाँ तक कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने वाले नेता, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो डूबती हुई नाव पे जा करके मर गए। इसलिए हम लोगों को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, हम लोगों ने मिल करके उनको श्रद्धांजलि दे दिया और श्रद्धांजलि उनके तर्ज पे दिया गया। वादा फरोशी अगर योगी और मोदी ने किया था तो वादा फरोशी आज ओम प्रकाश राजभर ने किया है, और उस वादा फरोशी के नाते या तो वो अपने बंद कमरे की बात, अपने मिशन की बात, जो उनके मुद्दे थे उन मुद्दों को लागू करवा दें। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अपने दल बल के साथ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करके उनका समर्थन करने का काम करेगी। अगर नहीं किए, अगर ये वादा उन्होंने नहीं किया और जा करके वो सत्ता और कुर्सी में बैठ गए और अपने बेटे को सांसदी का टिकट दिलवा दिया, तो यही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं बृजेश राजभर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सारनाथ के पार्क में श्रद्धांजलि दिया गया, मऊ में तिरही किया गया, लेकिन अगर आप उस वादों को पूरा नहीं करके आप जाके सत्ता की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे तो ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी मणिकर्णिका घाट पर जाकर के हजारों कार्यकर्ता और समाज के लोगों को लेकर के सर का मुंडन करवा करके, पिंड दान करवा करके, आपके अस्थि विसर्जन करवा करके आपकी औकात बताने का काम करेंगे। ये खाली केवल और केवल ये बाप बेटे ये समाज को पाठ पढ़ा रहे हैं 16 दुनी 8, और ये 16 दुनी 8 अब नहीं चलेगा। हमारा समाज जागरूक हो चुका है और उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। संक्षेप में एक सवाल और आ सकते हैं, जो एक वायरल तस्वीर उनकी हो रही है ओम प्रकाश राजभर की, एनडीएम के जाने के बाद उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है, काफी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? कड़वा सच्चाई है और उसका आप देख लीजिए कि ये दिल्ली में गए, वहां माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो एनडीए का उन्होंने नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया, एक बैठक किया अपने घटक दलों को बुला करके, उसमें ओम प्रकाश राजभर दूरबीन से देखने तक पीछे मिल रहे हैं, चौथी लाइन में पीछे खड़े थे। और दूसरी मीटिंग जब यहां पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जब बैठक हुई तो यहाँ तो कभी कहा करते थे केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कहते थे कि इनको स्टूल मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पे बैठते हैं, अगर उस जगह मैं होता, ये स्टेटमेंट है ओम प्रकाश राजभर जी का। और आप कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा कि वो कहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिलता है, ये स्टूल मंत्री है, अगर उस जगह मैं होता तो वही स्टूलवा खींच करके मैं मारने का काम करता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो आज उनको तो नसीब स्टूल को छोड़िए, उनको दरी तक नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कि योगी मोदी जी उनको संज्ञान में लेते हुए उनके गाली और गलौज, उनके विरोध को, उनको दरी बिछाने का काम दिया गया है। 2022 को लेकर 24 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2024 में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग उनके आदेशानुसार अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द संगठन की समीक्षा को हम लोग पूरा करके आज वाराणसी जिले में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर बलिराज राजभर जी हैं और विशिष्ट अतिथि में मैं था,
और हम लोगों ने जिला की समीक्षा बैठक किया है और समीक्षा की जल्द से जल्द हम लोग गठन पूरा करके हम लोग 24 की तैयारी में लगे हैं। जो पार्टी चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जो पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यहाँ तक कि हमारे मैनिफेस्टो में जो गरीब सवर्ण समाज है उसके लिए भी हम अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने जगह दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो जातिवार जनगणना पे बात करेगा, जो हिस्सेदारी की बात करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो महंगाई को कम करने का बात करेगा, उसके साथ हम लोग जुड़ करके समाज को हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे।